नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में डोमेस्टिक एयरलाइन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर देने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। उसके पहले अगर आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सकें। दोस्तों, डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू करने को लेकर कहा जा रहा है कि जो प्रोसेस है वो चालू कर दी गई है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल SOP मंगाया है। ये SOP एयरलाइंस और एयरपोर्ट दोनों से ही मंगाया गया है। प्राप्त जानकारी के हिसाब से SOP पर नजर डालें तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई 80 साल से ज्यादा का एज का है तो उसे फिलहाल इस फेज में बुकिंग नहीं दी जाएगी। यह केवल अभी फर्स्ट फेज के लिए है। साथ ही केबिन बैगेज जो होता है गाइज, वो आप इस वक्त कैरी नहीं कर पाएंगे, और जो चेक इन बैगेज है उसको 20 किलो से ज्यादा अलाउ नहीं किया जा सकता, ऐसा बताया गया है, सूत्रों से हमें पता चला है। साथ ही अगर एयरपोर्ट पर आपकी स्क्रीनिंग होती है और उस स्क्रीनिंग में अगर आप सिम्टोमेटिक पाए जाते हैं तो वहां पर आपको फ्लाइट बोर्ड करने से डिनाई कर दिया जाएगा, मना कर दिया जाएगा। तो फिलहाल जो SOP आई है वो काफी लंबी चौड़ी है, तो हमने ये शॉर्ट में उस पर नजर डाल के आपको समझाया है। कैसी लगी है छोटी सी जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपका कोई भी सवाल रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं इंडिया एयरलाइंस। मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।